नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सीआईटी एनसीईआरटी द्वारा प्रसारित इस विशेष वेबिनार के कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में आप हमें देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर 6 से लेकर ई विद्या चैनल नंबर 12 के माध्यम से। मैं सृजन राजपूत हूं और इस वेबिनार सत्र में आज ईटीएन आईसीटी उपकरणों की टूल्स की श्रृंखला में, नए उपकरणों को जानने की श्रृंखला में हम जानेंगे आज वाइजर को। जी हाँ, वाइजर कौन सा उपकरण है और इसके माध्यम से किस तरह से हम वर्कशीट्स को क्रिएट कर सकते हैं, ये हमारा आज के सत्र के लिए शीर्षक है। क्रिएट वर्कशीट यूजिंग वाइजर, वाइजर ऐप के माध्यम से उसका इस्तेमाल करके किस तरह से आप वर्कशीट बना सकते हैं, ये हमारे सभी ट्रेनिंग सत्र, हमारे सभी वेबिनार सत्र शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और सुगम में सरल बनाने के लिए काम कर रही हैं। हमारे साथ बहुत से ऐसे शिक्षक जुड़ते हैं इन सत्रों के दौरान, जो अपने अनुभवों के द्वारा और अपने सीखने की टेक्निक्स के द्वारा उन उपकरणों से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, जानते हैं और अब चाहते हैं कि आप भी उन उपकरणों को करीब से जानें, ताकि आप भी जब एक शिक्षक के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहे हों तो अपने छात्रों के साथ संबंध जोड़ने में, उनको बताने में, सिखाने में आप इन उपकरणों को इस्तेमाल करें। और जो टेक्निक है एजुकेशन से रिलेटेड जिस पर हम बात करें, तो हम चाहते हैं कि उसे और बेहतरीन बनाया जा सके। तो चलिए, अब बिना किसी देरी के हमने विषय जान लिया है तो यकीनन आपके मन में बहुत से प्रश्न उठेंगे, तो आप बेझिझक उन प्रश्नों को हमसे शेयर कीजिए। आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर के माध्यम से। हमारा फ़ोन नंबर है 8800440559, 8800440559। या फिर आप हमारे वेबिनार और ट्रेनिंग सत्रों के दौरान हम इस्तेमाल में करने वाली हमारी मेल आईडी जो रहती है, उसके ज़रिए आप हमसे कांटेक्ट कीजिए और उस पर आप अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं भी हमारे सत्रों के दौरान जो आप फील करते हैं वो हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन training.helpdesk@cit.nic.in के माध्यम से। तो चलिए, अब हमने विषय जाना और माध्यम जाने जिनके ज़रिए आप हमसे जुड़े हैं, और हमारा जो उद्देश्य है यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और सुगम में बनाना। मैं बहुत खुश हूँ कि आज हमारे साथ जो मैम जुड़ी हैं, जो हमारे साथ वाइजर को समझाने के लिए जुड़ी हैं, उनकी उपलब्धियाँ भी बहुत खास हैं और वे स्वयं भी बहुत खास हैं। मैम नीता भास्कर आरसुले हमारे साथ हैं। मैम नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। नमस्ते मैम। मैम के बारे में बताना चाहूँगी, मैम असिस्टेंट टीचर हैं, स्टेट टीचर अवार्डी टीचर भी हैं। 2021 वर्ष में मैम को ये उपलब्धि हासिल हुई और जिला परिषद प्राइमरी स्कूल कोठाला महाराष्ट्र से मैम हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़ी हैं और मैम हमें बताएंगी कि वाइजर ऐप का इस्तेमाल वर्कशीट बनाने के लिए कैसे किया जा सकता है। जी मैम, पहले कार्यक्रम की भूमिका जानते हैं आपसे। नमस्ते जी। तो आज हम वर्कशीट जो बनाने हैं बच्चों के लिए, वर्कशीट के माध्यम हम हर दिन स्कूल में हम बच्चों से बुक नहीं ले पाते, लेकिन हम डिजिटल इंटरैक्टिव वर्कशीट कैसे बनाएं ये वाइजर के साथ देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि यूजिंग वाइजर हम वर्कशीट कैसे बनाएं। तो वर्कशीट पहले क्या है ये कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो वर्कशीट क्या है, तो विद्यार्थियों के उत्तरों को पूरा करने और रिकॉर्ड करने के लिए प्रश्नों या अभ्यासों के साथ कागज का जो शीट दिया जाता है उसे हम वर्कशीट कहते हैं, मतलब हिंदी में हम उसे कृति पत्रिका कहते हैं। यह एक मूल्यांकन उपकरण के रूप में वर्कशीट का उपयोग शिक्षकों द्वारा छात्रों को पिछले ज्ञान, सीखने के परिणाम और सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए किया जा सकता है। मतलब सिर्फ हम वर्कशीट या कृति पत्रिकाएं बच्चों को सीखने के बाद ही नहीं दे सकते, तो हम बच्चों का पूर्व ज्ञान क्या है और उनको जो एक लेक्चर के बाद या एक तासिका के बाद जो सिखाया जाता है वो कितना समझ में आया है, ये देखने के लिए हम कृति पत्रिका यूज करते हैं। साथ ही उनका उपयोग छात्रों को अपने सीखने की प्रगति की निगरानी करने में सक्षम बनाने के लिए भी किया जा सकता है। मतलब जिस बच्चों को या जो बच्चों को हमें विद्यार्थियों को छात्रों को कुछ कंसेप्ट समझ में नहीं आती है, तो उसमें कौन से लर्निंग गैप है ये देखने के लिए भी वर्कशीट कृति पत्रिकाएं हमें बहुत शिक्षकों को मदद करती है। तो इस वर्कशीट के लाभ क्या है, लंबे समय तक चलने वाली शिक्षा का यह प्रभावी उपकरण है। हम अब तक सातत्यपूर्ण और सर्वकश मूल्यमापन में लंबे समय तक का हम मूल्यमापन करते हैं, तो इसी मूल्यमापन के लिए वर्कशीट एक बहुत अच्छा साधन है। विद्यार्थियों को संलग्न होने में सहायता करते हैं। जब हमारे बच्चे या स्टूडेंट क्या करते हैं कि पढ़ाई में जब मन लगा नहीं सकते या कुछ परिस्थितियों से बच्चों को एक संकल्पना समझ में नहीं आती है, तब
तब हम वर्कशीट के माध्यम से बच्चों को हमारे शिक्षा प्रक्रिया में जोड़ सकते हैं वर्कशीट के माध्यम से। तो वर्कशीट में हम ग्रेड में सुधार भी ला सकते हैं। जिस बच्चों को मतलब स्टूडेंट को ये कंसेप्ट समझ में नहीं आती, ऐसे हमें समझ में आता है, तब हम बुक में लिखवा लेते और हमें वो बुक चेक करने को टाइम नहीं मिलता। पर हम वर्कशीट के माध्यम से वो उस बच्चों को ये ग्रेड में सुधार लाने के लिए यूज कर सकते हैं। कठिन अवधारणा को समझने में मदद करता है। बहुत सी कंसेप्ट बड़ी होती है या गुणाकार भागाकार प्राथमिक या माध्यमिक स्कूल के बच्चों को स्टूडेंट्स को जब कठिन अवधारणा होती है तो उसमें छोटे छोटे प्रश्न करके हम श्रुति पत्रिका में पूछते हैं, तो हमें बच्चों की अवधारणा क्या है ये हम जान रहे हैं आज के कार्यक्रम में ETN ICT उपकरणों की श्रृंखला में ई विद्या चैनल नंबर 6 से 12 के माध्यम से कि किस तरह से आप वाइजर ऐप का इस्तेमाल करके वर्कशीट बना सकते हैं। बात करें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की तो बहुत सरल और सुगम्य हो जाता है शिक्षकों के नज़रिए से जब आप बच्चों को किसी नई टेक्निक के माध्यम से एक नए उपकरण के माध्यम से आप उन्हें होमवर्क भी दे रहे हैं और कुछ रुचिकर और कुछ इंटरेस्टिंग उन्हें जानने को मिल रहा है। हमारे जब भी इन कार्यक्रमों में इस पूरे घंटे में यानी 4 से 5 का जो समय रहता है सोमवार से शुक्रवार का, हम कभी तो आपके लिए 5 दिवसीय कार्यक्रम जो है वो लाते हैं और वहीं दूसरी ओर हम कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो है आपको ट्रेनिंग अगर दी जा रही है या वेबिनार जो आपके लिए कंडक्ट किए जा रहे हैं उनमें ऐसा कुछ आपको परोसे जो आपके जो शिक्षण प्रक्रिया है आपके सिखाने की जो क्षमता है उसको और बेहतर बनाए। वहीं बात करें छात्रों के दृष्टिकोण से तो भी बहुत सरल हो जाता है छात्रों के लिए अपने शिक्षकों से वो रिश्ते जोड़ना जिनमें कि वो और किसी उपकरण को भी जान रहे हैं। सो इन्हीं में हमने आज आपके लिए जो विषय चुना है वह है वॉइसर ऐप की मदद से वर्कशीट बनाना। हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़ी हैं उन्होंने अभी बताया कि किस तरह से वर्कशीट के माध्यम से आप एक ऐसे पैटर्न को तैयार कर सकते हैं जिनमें कि बहुत लाभ है। आप चाहें तो सरलता से और उसको एक सॉर्टेड वे में जो है अपने स्टूडेंट्स के लिए जो है प्रसारित कर सकते हैं बता सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगी कि आप हमें जो हमारे माध्यम है आप देखते हैं हमने ई विद्या चैनल नंबर 6 से लेकर 12 के माध्यम से और हमारे साथ जो इस समय एक्सपर्ट जुड़ी हैं मैं चाहूँगी कि वे अपनी PPT जो है हमें दिखाएं जिससे कि हम अपने दर्शकों को बता सकें कि PPT के माध्यम से कि बहुत से लाभ हैं और ऐसे बहुत से दृष्टिकोण होते हैं हमारे शिक्षण के संबंध जो कि बहुत सरल हो जाते हैं। और यहाँ पर आपको वो माध्यम बताना चाहूँगी कि जिनके ज़रिए आप हमसे जुड़ सकते हैं अपने प्रश्नों को अपने फीडबैक्स को हमसे साझा कर सकते हैं। सो माध्यम रहेंगे पहला माध्यम जिसके माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं फ़ोन नंबर का माध्यम। ये नंबर है 8800440559 या फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ई विद्या चैनल नंबर 6 से 12 के अलावा क्योंकि आप हमें हमारे ट्रेनिंग सत्रों के दौरान देख रहे हैं तो training.helpdesk@cierty.nic.in। ये सभी कार्यक्रम CIET NCERT द्वारा प्रसारित किए जाते हैं और इन कार्यक्रमों का इन सत्रों का खासा माध्यम यही है कि हम आपके साथ शिक्षण को लेकर अच्छी कनेक्टिविटी बना सकें और शिक्षण प्रक्रिया को और सुगम्य और सरल बना सकें। हमारे साथ आज एक्सपर्ट के तौर पर मैम मैम जुड़ी हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है जी मैम, हम आपको देख पा रहे हैं और चाहेंगे कि आप विषय से संबंधित अधिक जानकारी हमारे सभी दर्शकों तक पहुँचाएँ। जी मैम, हम सुन पा रहे हैं आपको, आप बताना शुरू करें हमें वाइजर ऐप के बारे में। मैम मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी मैम, हम आपकी PPT देख पा रहे हैं। थैंक यू मैम, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। यस, तो हम देख रहे थे कि सीखने की प्रक्रिया में प्रमुख कमियों को पहचानने में हमें वर्कशीट या कृति पत्रिकाएं से मदद कर सकते हैं। सक्रिय सीखने को हम बढ़ावा देते हैं वर्कशीट के माध्यम से। जिन छात्रों को सीखने में या गति कम होती है उनके लिए वर्कशीट सक्रिय सीखने में बढ़ावा देता है। विद्यार्थियों को रुचि स्तर बढ़ाता है और छात्रों की प्रगति को ट्रैक करने में हमें मदद करता है कि हर पाठ्यक्रम में मतलब हर विषय में विषय के उपघटक में हम जाके वर्कशीट के माध्यम से छात्रों की प्रगति ट्रैक कर सकते हैं। बिल्कुल। तो चले वाइजर वर्कशीट क्यों यूज करें? इसलिए क्योंकि 10 सेकंड में किसी भी पेपर वर्कशीट को डिजिटाइज कर सकता है। मतलब हमारी इमेज हो या PDF हो तो हम PDF और वर्कशीट को हम क्या कर सकते हैं, PDF वर्कशीट को डिजिटाइज कर सकते हैं, इंटरैक्टिव वाइजर के माध्यम से कर सकते हैं।
10 से अधिक इंटरैक्टिव प्रश्न प्रकार जिनमें शामिल है ड्राइंग, टेक्स्ट, रिक्त स्थान भरे, एक छवि को लेवल करे, क्रमबद्ध करे, प्रश्न खोले। इस प्रकार के प्रश्न हम इंटरैक्टिव ऐड करके वर्कशीट हमारी कृति पत्रिकाएं इंटरैक्टिव कर सकते हैं, मतलब आंतरिक क्रिया बच्चों के वही हम कलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे फॉन्ट, रंग और पैटर्न के साथ वर्कशीट को अधिक आकर्षक दिखने के लिए डिजाइन कर सकते हैं। तो छोटे प्राथमिक या हो बच्चे या माध्यमिक छात्र हो, तो हम उनके साथ ये आकर्षक जो है वो मतलब फॉन्ट, रंग, पैटर्न यूज करके आकर्षित बच्चों को कर स्टूडेंट को करके हम उस वर्कशीट हम बच्चों को फिल करवा सकते हैं। उसके डिजाइन से हम उनको आकर्षित कर सकते हैं, जो बच्चों को स्टूडेंट्स को अच्छा लगे कि हम वर्कशीट सॉल्व कर रहे हैं। आप शिक्षक द्वारा निर्मित किसी भी वाइजर वर्कशीट को अपने अनुसार उपयोग करने के लिए संशोधित कर सकते हैं। हम हमारी वर्कशीट नहीं यूज करें तो या तैयार करने के लिए टाइम ना मिले तो हम सब्जेक्ट वाइज या क्लास वाइज ढूंढ के इतर टीचर की मतलब अदर टीचर की शिक्षक की निर्मित की हुई वाइजर वर्कशीट हम यूज कर सकते हैं हमारे अकाउंट से। आप टेक्स्ट के साथ निर्देश ऑडियो और वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे हम बच्चों को जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम्स होते हैं या दिव्यांग बच्चों के लिए ऑडियो या वीडियो निर्देश हम ऐड करके वर्कशीट में इंटरेक्टिव बना सकते हैं। यहाँ पे छात्र सिर्फ टीचर्स ही यहाँ पे निर्देश ऑडियो वीडियो के साथ ही नहीं कर सकते, तो जवाब देने के लिए छात्र भी ऑडियो या टेक्स्ट का उपयोग कर सकते हैं। आप लिंक द्वारा असाइन करें, एम्बेड करें और गूगल कक्षा के साथ सहजता से एकीकृत करें। तो ये वर्कशीट बच्चों तक तो कैसे पहुंचाएं? तो हम ये वर्कशीट असाइन कर सकते हैं बच्चों को, मतलब वहां पे हमें लिंक मिलेगी, हम वो लिंक व्हाट्सएप या फेसबुक पे शेयर करेंगे। एम्बेड कर सकते हैं, हमारा कोई ब्लॉग हो या वेबसाइट हो स्कूल की, तो हम वहां पे भी ये वर्कशीट एम्बेड कर सकते हैं। वैसे ही हमारी जो गूगल या टीम कक्षा होती है उनके साथ भी हम ये एकीकृत करके पहुंचा, मतलब पेरेंट्स हो या स्टूडेंट्स हो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। आपके प्रत्येक छात्र की जरूरतों के आधार पर स्वयंचलित रूप से व्यक्तिगत वर्कशीट तैयार कर सकते हैं। इतना ही नहीं तो हमारे छात्र के जो ग्रुप होते हैं, हर क्लास में सभी बच्चे एक लेवल पे नहीं होते, कुछ बच्चों की क्षमताएं गति कम होती है, तो उन बच्चों के ग्रुप के लिए हम अलग से कुछ वर्कशीट बना सकते हैं यहाँ पे और उनके साथ असाइन कर सकते हैं। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वाइजर स्वयंचलित रूप से आपके लिए सब ग्रेडिंग कर देता है। हमारे टीचर्स में बहुत सारे क्लास हो सकते हैं या बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं हम, तभी हमें खुद से ग्रेडिंग करने के लिए या चेकिंग करने के लिए टाइम या वर्क ना मिलता हो तो यह वाइजर बहुत ही उपयोगी है। तो कैसे? तो ये वाइजर जब बच्चों के वर्कशीट सबमिट हो जाते हैं तो उसके बाद खुद ही वो चेक करके ग्रेडिंग कर देता है। यह बात हम वाइजर से यूज करके हमारे क्लास को बहुत आगे तक ले जा सकते और हमारे छात्रों के लिए ये बहुत एक अच्छा वर्कशीट का माध्यम है। तो चलिए हम देखते हैं कि वाइजर कैसे यूज करना है। वाइजर है क्या? ऐप है, सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट है, क्या है? तो यह एक प्लेटफॉर्म है। तो हम देखेंगे ये आप कौन से भी ब्राउजर से जा सकते हैं। तो यहाँ पे स्पेलिंग है वाइजर की wizr.in। वाइजर के साथ हम क्या करेंगे, प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए ये स्पेलिंग लिखेंगे, तो हम एंटर करने के बाद ये नेक्स्ट स्क्रीन पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा है app.wizr.in, मीन्स ये ऐप का एक वर्जन है जो प्लेटफॉर्म पे हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे दाहिनी ओर हमें क्या दिख रहा है, प्राइजिंग स्कूल, अबाउट, लॉगिन, ज्वाइन नाउ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉगिन करेंगे। तो हमारे और ज्वाइन कौन करेंगे, बच्चों के लिए ये ज्वाइन नाउ का उसके आगे का ऑप्शन है। तो देखिए तो यहाँ पे लिखा है क्रिएट अ डिजिटल वर्कशीट। डिजिटल क्यों यूज करना है हमें, क्योंकि हम हर वर्कशीट के, हर क्लास के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए इतना प्रिंट निकाल नहीं सकते और इतना पेपर यूज करके बच्चों को देंगे, फिर कलेक्ट करेंगे, उसके बाद इतना प्रोसेस के लिए हमारे पास बहुत टाइम जाता है और उतना टाइम मैनेजमेंट करने के लिए हमें सिर्फ उतना ही नहीं तो हमें पढ़ाना भी होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज भी लेनी होती है। तो हमें क्या करना है, इस डिजिटल वर्कशीट यूज करनी है। तो इससे क्या हमारा पेपर भी सेव होता है, हमारा टाइम भी सेव होता है और बच्चों को उनका जो लर्निंग आउटकम्स है वो
प्राप्त करने के लिए हम वर्कशीट ये साधन यूज कर सकते हैं। तो चले हम देखते हैं डिजिटल वर्कशीट कैसे यूज करने हैं यूज। तो इसके लिए हमें टीचर्स को पहले लॉगिन का वाइजर अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट के लिए हम गूगल या एडमोरो या माइक्रोसॉफ्ट या किसी भी मेल आईडी से पासवर्ड रीसेट करके, यहाँ पे साइनअप का ऑप्शन है दाहिनी ओर, ये हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन अप करेंगे। या अगर आपको गूगल एडमोरो किसी अकाउंट से लॉगिन नहीं करना हो तो हमें साइन अप करना पड़ेगा, तो उसके साथ हम पासवर्ड रीसेट करके फिर लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे मैं यूज करने वाली हूँ कनेक्ट विद गूगल, क्योंकि गूगल का अकाउंट सबका होता ही है, तो वो हमारे क्या हो गए, हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे गूगल अकाउंट पे। इसके लिए हम कनेक्ट विद गूगल करेंगे, फिर यहाँ पे मेरा अकाउंट से साइन इन होने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे मैंने कहा है कि हमारे टीचर्स ने जो अदर टीचर्स है वो भी सब्जेक्ट या क्लास वाइज क्या करते हैं, वर्कशीट तैयार करते हैं। तो इसमें फिल्टर ऑप्शन भी है, बायो दिखाई दे रहा है, ये फिल्टर का ऑप्शन है, लैंग्वेज के साथ कर सकते हैं, ग्रेड के और सब्जेक्ट के साथ हम क्या करते हैं ये वर्कशीट ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे हम यही वर्कशीट फिर हमें बच्चों के लिए असाइन करनी है, फिर बाद में वो असाइन होने के बाद ही बच्चों को वो वर्कशीट मिलेगी, हमें लिंक मिलेगी और फिर उसके बाद बच्चे सबमिट कर पाएंगे। यह वर्कशीट ऐसे ही कॉपी या पेस्ट एड्रेस करने से बच्चों को ये वर्कशीट नहीं मिलेगी, पहले हमें यहाँ पे सर्च करना है, फिर बाद में हमें क्या करना है, वर्कशीट में ऑप्शन लैंग्वेजेस में है, बहुत सारे लैंग्वेज है, यह पूरे पूरी जो अदर कंट्रीज है वो भी यहाँ पे अपनी वर्कशीट्स तैयार करते हैं, इसके लिए हमें बहुत सारी लैंग्वेजेस यहाँ पे आई है। नेक्स्ट है लैंग्वेजेस में ये ऑप्शन आते हैं, तो नेक्स्ट है ग्रेड का ऑप्शन, तो इसमें ग्रेड में देखिए प्री स्कूल से 12th और अदर, मतलब हम 12th तक ये वर्कशीट यूज कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट के लिए हम जैसे ऐड करते हैं वर्कशीट तो यहाँ पे एक कलेक्शन बनता है, इस कलेक्शन में से ही ये सब्जेक्ट सब यहाँ पे दिख रहे हैं जिसमें से हमें जो चाहिए हम वो वर्कशीट ले सकते हैं यहाँ से। जी मैम, बिल्कुल ये तो समझ आया कि वाइजर ऐप के ज़रिए हम किसी भी क्लास और किसी भी विषय की जो स्टेप है, अवधारणा है, उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, वर्कशीट बना सकते हैं। लेकिन आपसे चाहेंगे कि उदाहरण के तौर पर आप हमें गणित की एक वर्कशीट वाइजर ऐप के माध्यम से क्रिएट कर कर दिखाएं। हाँ यस मैम, मैं अभी क्रिएट वर्कशीट पे ही जाके अभी मैं जी अलग अलग सब्जेक्ट के लिए कैसे बना सकते हैं, गणित हो या विज्ञान साइंस विषय हो, अदर कोई लैंग्वेज का भी विषय हो, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे वर्कशीट तैयार कर सकते हैं। तो वर्कशीट, थैंक यू मैम आपने क्वेश्चन पूछने के लिए, क्योंकि हमें वर्कशीट सभी सब्जेक्ट के लिए यूज करने हैं। जी तो देखिए हमें ये क्रिएट वर्कशीट का यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे डैशबोर्ड थे, हम पहले डैशबोर्ड के ऑप्शन पे थे, अभी हम माय वर्कशीट्स में जाएंगे, लेकिन यहाँ पे पहले क्रिएट ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे है ऑप्शन क्रिएट वर्कशीट, क्रिएट ऑप्शन पे यहाँ पे लिखा है वहाँ यहाँ इन्होंने बाई ओर कि क्रिएट फोल्डर भी कर सकते हैं। यहाँ हमारे सब्जेक्ट वाइज हम फोल्डर तैयार करेंगे, पहला फोल्डर है कि साइंस का फोल्डर हम यहाँ पे बना सकते हैं। जब क्रिएट फोल्डर को हम तैयार लिखते हैं तो हमें ये वाला ऐसे क्रिएट अ फोल्डर और साइंस का करके क्रिएट करके हम हमारा फोल्डर वाइज वर्कशीट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो फिर बाद में यहाँ पे हमारा जो वर्कशीट है अदर टीचर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारे फोल्डर में वर्कशीट के लिए। तो यहाँ पे देखिए मुझे अदर टीचर को इनवाइट करना है, इसके लिए मेरे पास लिंक भी है और मेरे पास ये जो मेल आईडी है जिनको शेयर करनी है वो भी मैंने यहाँ पे डाला है। इस तरह हम हमारे स्कूल में या हमारे सीपीएस में जो स्कूल का अदर तालुका में है ब्लॉक में, वहाँ के टीचर्स हम यहाँ पे इन्वाइट करके वर्कशीट, मतलब एज अ प्रोजेक्ट बेस्ड, मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हम ये क्या कलेक्शन हमारा तैयार कर सकते हैं। तो ये अकाउंट क्रिएट करना है हमें, पहले अकाउंट क्रिएट करते वक्त यहाँ पे जो दाई ओर था ऑप्शन, वहां पे ये हमारा एड कवर फोटो डालना है, फिर हमारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें फिल करनी है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन हम जो हर बार कोई सॉफ्टवेयर या पोर्टल पे जाते हैं उसी तरह ये यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, जेंडर, सिटी, कंट्री, स्कूल का नाम, हमारे सब्जेक्ट ऐड करके सेव करना है और हमारा अकाउंट तैयार हो जाता है। अभी इसके बाद हमारे पास है क्लासरूम लर्नर और डिफरेंशियल रूल्स, ये हमें बाद में देखना है। हमारे पास लर्नर हो तो हमें बूस्टर का, मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये बेसिक वर्जन में आपको दिखा रही हूँ,
ये बेसिक वर्जन में, यहाँ पे देखिए प्रीमियम का ऑप्शन दिख रहा है, ये प्रीमियम का ऑप्शन लेने के बाद ही हमारे जो क्रिएट एक्टिवेट क्लास है गूगल के, वो हम ये अपने आप यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना है, वाइजर के जो प्रीमियम का प्लान है हमें वो खरीद लेना है। इसकी बहुत ही कम प्राइस है, $5 है, जस्ट 60 पर ईयर है, $60। तो इसमें क्या है, दोनों में ये बेसिक वर्जन का है और ये प्रीमियम का है। इसमें हमें अनलिमिटेड क्वेश्चन बेसिक में भी मिल जाते हैं, 5 कस्टम रूल्स भी ऐड कर सकते हैं अपने आप से, ऑडियो भी टीचिंग इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और ऑडियो स्टूडेंट के आंसर भी ले सकते हैं। तो जब हम मेंबर बनते हैं और प्रीमियम लेते हैं तभी यहाँ पे हम इतने मतलब बेनिफिट्स पाते हैं। तो हम पहले बेसिक वर्जन का देखते हैं, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट या स्कूल वाइज भी सब्सक्रिप्शन हम ले सकते हैं प्रीमियम में। तो चलिए मैम पूछ रहे थे कि गणित का क्वेश्चन कैसे करें, वर्कशीट तो यहाँ पे हम समझ में आता है कि उत्तर लिखो फिर वो सबमिट करो फिर हाँ चेक करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम गणित का भी वर्कशीट तैयार करेंगे। तो पहले ऑप्शन है यहाँ पे क्रिएट वर्कशीट, तो क्रिएट वर्कशीट के बाद हमें क्या करना है, वर्क डिस्क्रिप्शन देना है, हम वर्कशीट सब्जेक्ट भी लेना है, वर्कशीट का ग्रेड भी बताना है हमें यहाँ पे, और फिर यहाँ पे हम डिजाइन एक सिलेक्ट करना, क्योंकि बच्चों के लिए आकर्षक होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से डिजाइन सिलेक्ट करके बच्चों के लिए ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या है इसमें, डिस्क्रिप्शन के लिए हम यहाँ पे हमारी इंफॉर्मेशन, तो इस वर्कशीट डिस्क्रिप्शन में हमारा पाठ्य घटक का नाम, उसमें जो कौन से घटक कंप्लीट कर रहे हैं वो उनके नाम हम पिक्चर के साथ बोल्ड करके इटैलिक जो फंक्शंस होते हैं वर्ड के वो ऐड करके यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए वर्कशीट का सब्जेक्ट देने के लिए हमें, मैंने यहाँ पे दिया है उत्तम शिक्षा, महात्मा गांधी जी का पाठ है, तो हमें वर्कशीट के सब्जेक्ट ना जो जो है यहाँ पे दिए हुए उनमें से सिलेक्ट करने हैं, और नहीं हो तो अदर में हमें ऐड करनी है। उसी तरह वर्कशीट के ग्रेड भी है यहाँ पे, फर्स्ट ग्रेड टू अदर 12th तक और अदर के, हम हमारी वर्कशीट सिलेक्ट मतलब करके देंगे तो हमें वही ढूंढने में बहुत सी आसानी होगी। चलो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो वर्कशीट का टाइटल है यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे प्रश्नों के टाइटल नहीं डालेंगे तो ये वर्कशीट का टाइटल ऐड करना है। तो इसमें देखिए बहुत सारे ऐड एक्टिविटीज है, ओपन क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस, ब्लैंक्स, फिल ऑन द इमेज, मैचिंग टेबल, सॉर्टिंग, ड्रॉ, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो, मतलब लिंक्स हम यहाँ पे शेयर करते हैं। तो पहले हमने पाठ्य का जो पाठ का घटक था तो वो उत्तम शिक्षा महात्मा गांधी में यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। तो चलो यहाँ पे हमें ऐड एक्टिविटीज करनी है। हम देखिए अभी ऐड एक्टिविटीज हमें कौन से सब्जेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं आप यहाँ पे सोच सकते हैं। ओपन क्वेश्चन हम लैंग्वेज के लिए यूज करेंगे, तो मल्टीपल चॉइस हम कौन सी मतलब विज्ञान हो या गणित हो हम यूज कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूज करने हो तो हम लैंग्वेज के लिए, साइंस के लिए, सोशल साइंस के लिए यूज कर सकते हैं। वैसे ही फिल ऑन द इमेज अभी हम ये मैथ्स के लिए यूज कर सकते हैं फिल जी ऑन द इमेज, क्योंकि हमारे बच्चों का क्वेश्चन मतलब स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन हो गणित का कि ये एंगल का डिफरेंशिएशन करिए या कौन सा एंगल ये पहचानिए, तो जी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उनका नाम, आकृति का नाम या जो इष्टिका चीति रहते हैं गणन जो रहते हैं उनके फॉर्मूलाज बच्चे क्या कर सकते हैं, फिल ऑन इमेज कर सकते हैं। उसके बाद है मैचिंग, ये प्री प्राइमरी क्लासेस और प्राइमरी क्लासेस के हम यूज करते हैं। वैसे ही टेबल है हमारा, सॉर्टिंग है मतलब जो ऑड वन आउट के लिए भी यूज करते हैं, ड्रॉ का है यहाँ पे भी हम बच्चे हमारे क्या ड्रॉ के लिए डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, टेक्स्ट है, इमेज भी बच्चे अपलोड कर सकते हैं जो बच्चों ने बुक में ली हो या किसी ऐप में यूज करती हो तो उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे इमेज तौर पे हम ऐड करके बच्चे भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह हम बच्चों के लिए यहाँ पे ऐड एक्टिविटीज में वीडियो भी दे सकते हैं, किसी अदर पेजेस की लिंक हो तो यहाँ पे भी डाल सकते हैं। एम्बेड करने के लिए हमें अलग कोई वेबसाइट की लिंक हो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज यहाँ पे हैं। तो हम यहाँ पे अदर जो है कैनवा और इम्पोर्ट वर्कशीट ये यूज करने वाले हैं, क्योंकि हमारी वर्कशीट बहुत सी वर्ड में या पीपीटी में तैयार है अब तक की, तो हम ये यहाँ पे इंटरेक्टिव बनाने के लिए वाइजर में अपलोड करके सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं, तो हम पहला क्वेश्चन है जो ऐड कर रहे हैं कि यहाँ पे प्रश्न लिखना है, महात्मा गांधी जी की दृष्टि से कब पूरी हुई है शिक्षा, कब पूरी हुई है। तो
तो हमें इंस्ट्रक्शन देना है कि 3 गुणों का आचरण करना है बच्चों के लिए, तो वो कौन से 3 गुण हैं यहाँ पे बताने हैं। यहाँ पे फिर लिखा है मैंने आंसर साइज मीडियम 4 लाइंस अब तक रखनी है। यहाँ पे हम बच्चों के लिए इंस्ट्रक्शन भी डाल सकते हैं एक्स्ट्रा से। फिर डन करने के बाद यह क्वेश्चन हमारा पूरा होता है। नेक्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन ऐड करने के लिए अपनी शिक्षा में कौन सी और ध्यान देना चाहिए। तो मेरे देखिए ऑप्शन यहाँ पे मैंने ऐड किए हुए हैं, ये इंस्ट्रक्शन है जिन बच्चों के दिव्यांगों के लिए। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वॉइस अपना मतलब क्वेश्चन ही यहाँ पे पढ़ के ऐड कर सकते हैं। एंटर आंसर लिखना है, फिर आंसर क्या करना है, यहाँ पे जो करेक्ट वाला आंसर है हमें, यहाँ पे मेरे 2 आंसर करेक्ट है इसके लिए मैंने 2 आंसर को टिक किया है। और यहाँ पे फिर डन करके हमें ये एक्टिव मतलब क्वेश्चन कंप्लीट करना है। फिर बाद में हम फिल इन द ब्लैंक्स भी ऐड कर सकते हैं। प्रत्येक बच्चों को सत्य अहिंसा तथा ये मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे। तो मैंने क्या करा है कि जो ब्लैंक रखना है उसे मैंने सिलेक्ट किया है यहाँ पे, इंसर्ट योर ब्लैंक टेक्स्ट बिलो। जो ब्लैंक रखनी है वो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट और ब्लैंकेट लिखना है, मतलब हमारे जब ब्लैंक्स लिखते हैं तो पूरा वाक्य लिखना है, फिर बाद में क्या करना है इसमें ब्लैंक करना है। जब हम गूगल फॉर्म में क्वेश्चन बनाते तो क्या करते हैं, हम वो ब्लैंक ही रखते हैं, यहाँ पे वैसे नहीं है। तो हमें क्या करना है, पूरा वाक्य लिखना है और ब्लैंक जो रखना है वो यहाँ पे बताना है। फिर डन करके हमारा क्वेश्चन ये तैयार होता है। यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में पाठ्यक्रम का जो है वो चित्र डाले हैं। फिर बाद में मैंने ये पहले सेव करना है, ये सेव करना है। फिर बाद में हमें क्या करना है, वर्कशीट का प्रीव्यू देखना है। तो वर्कशीट का प्रीव्यू इस तरह से दिख रहा है, देखिए जो मैंने पहला क्वेश्चन डाला था टेक्स्ट का, महात्मा गांधी जी की दृष्टि से शिक्षा कब पूरी हुई है, और मैंने उनको एक इंस्ट्रक्शन भी दिए 3 गुणों को आचरण यहाँ पे करना है तब वो शिक्षा पूरी होती है। तो हमें ये अभी प्रीव्यू होने के बाद हमें ये दिखना है कि जी हम ये लिंक बच्चों को तक कैसे शेयर करें। हमारे हाँ पास वाया लिंक भी ऑप्शन है, जो हम वाया लिंक के लिए हमें यहाँ पे एम्बेडेड लिंक है और ये ओपन करके रखना है। यहाँ पे हम अनटाइटल नाम भी डाल सकते हैं, बाय क्लास भी कर सकते हैं हमारा जो गूगल क्लास हो, पर हम जब प्रीमियम वर्जन लेंगे तो ही हमारा बाय क्लास शेयर होगा। तो ये वाया लिंक हमें लिंक मिल जाती है, तो हमें ये कॉपी करनी है लिंक, कॉपी लिंक करके क्लिक करना है। फिर ये पॉपअप कॉपी लिंक का होने के बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा जो लिंक है वो हम यहाँ पे शेयर करेंगे वाया मेल, व्हाट्सएप या फेसबुक या हमारे ग्रुप्स में, हम शेयर करके ये बच्चों तक ये लिंक पहुंचवाएंगे जो अभी ये असाइन हुआ है। सिर्फ वर्कशीट तैयार करना, क्रिएट करना ये अलग बात है, और बच्चों के लिए असाइन करना ये बहुत जरूरी बात है यहाँ पे। तो ठीक है मैम देखिए यस, जी, मैम प्लीज कंटिन्यू। तो यहाँ पे देखिए ट्विटर और कॉपी लिंक भी है ऑप्शन आ रहे दाहिनी ओर, हम ये सेव करके ड्राइव पे भी सेव कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए मैथ के लिए मैंने क्या किया है, इंपोर्ट वर्कशीट कर रही हूँ। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन है कि मैं इंपोर्ट वर्कशीट करना है मुझे। ये क्लिक करने के बाद मैंने क्या किया, ये पूछ रहा है मुझे कि लीव साइट, आप साइट लीव करना चाहेंगे, तो यहाँ पे लीव करना है सिलेक्ट करके। फिर बाद में हमें नेक्स्ट स्क्रीन पे लेके जाएगा ये कि ड्रैगन ड्रॉप ऑप्शन लेना है, सिलेक्ट फाइल फ्रॉम कंप्यूटर और अपलोड फ्रॉम कैनवा। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, अपलोड फाइल का ऑप्शन मिला है, अपलोड फ्रॉम हम क्या करेंगे ये कंप्यूटर से क्लिक करेंगे। फिर हमें यहाँ पे यूट्यूब वीडियो भी मिल जाता है कि कैसे करना है, आप वो देख के भी मतलब टाइम लेके कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर बाद में मुझे ये अपलोड होने के बाद ये मेरा पीडीएफ जो है वो दिख रहा है, तो यहाँ पे एनोट करना है। एनोट करने के लिए वहां पे दबाइए और बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, कवर इमेज, टेक्स्ट इमेज, यहाँ पे हमें बताना है उनको कि कौन सा इमेज कवर का है। तो मैंने न्यूज फ्लैश का कवर का डाल रही हूँ। तो ओपन क्वेश्चन में यहाँ पे मेरे सब ओपन क्वेश्चन है, इसके लिए मुझे क्या करना है, क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है, मुझे यहाँ पे क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है और ये अपने आप आंसर के लिए जगह देगा। यहाँ पे ये बात है कि हमें क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है उसका ड्रैगन मतलब साइज सिलेक्ट करके। इस तरह मैंने 3 क्वेश्चन को यहाँ पे क्या किया, सिलेक्ट करके रखा है। ओपन क्वेश्चन जो फॉर्मेट चेक किया है वही यहाँ पे ऐड हो रहा है। यहाँ से मैं कॉपी कर सक ये प्लस करके मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड कर सकती हूँ और कॉपी करें, यही फॉर्मेट ऐड करने मतलब ओपन क्वेश्चन है। जब मेरा फिल इन द इमेज होगा तो मुझे ये वाला ऑप्शन क्लिक होगा, वहां पे ओपन क्वेश्चन नहीं चलेगा, मतलब हमारा क्वेश्चन टाइप कैसा है उसी तरफ से हम बाई ओर से ऑप्शन लेंगे। तो यहाँ पे हमारा वर्कशीट क्या कर रहा है, वाइजर बिल्ड कर रहा है। इसके बाद फिर ये क्या करेगा, हमारी वर्कशीट तैयार करके देगा।
यहाँ पे मैंने फिल इन ऑन इमेज का ऑप्शन लिया है। तो फिल इन ऑन इमेज के लिए मैंने क्या किया, ये फर्स्ट देखिए मेरी जो इमेज है मैंने वो पूरी ले ली है, और वहाँ पे जिस जिस पार्ट के लिए नाम रखना है वहाँ पे देखिए सर्कल आया है, और ये नाम मैंने खुद से लिखे हैं, क्योंकि अपने आप नाम नहीं आएंगे, उनका नाम क्या होना चाहिए यहाँ पे हमें बताना है, और कौन से पॉइंट पे नाम लिखना है। तो ये होने के बाद जब हम देखते हैं तो इस तरह सा ये तैयार हो जाता है बच्चों पे, ऐसे दिखता है एंटर टेक्स्ट। यहाँ यहाँ पे आप नाम बताइए, मतलब ये फिल इन इमेज है, 9 है तो 0 आउट ऑफ 9 कंप्लीटेड है। इस तरह से बच्चे कागज मतलब स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी इमेज के लिए एक्टिविटी है। देखिए हम इतने सारे प्रिंट्स नहीं निकाल सकते, और इमेज प्रिंट्स के बाद बहुत अच्छे से आती भी नहीं है, पर ये डिजिटल इमेज यूज वर्कशीट यूज करने से जो आकर्षित बना रहता है वो बच्चों को अट्रैक्ट करता है, वो सॉल्व करने को उनको प्रेरित करता है। इस तरह से हमारा ये हैंडिंग वर्क करके, जब मैं स्टूडेंट होती हूँ तो मैंने ये पूरे नाम डाल देने के बाद मुझे 9 आउट ऑफ 9 मैंने नाम डाले थे, इसके लिए 9 आउट ऑफ 9 आया। हैंड इन वर्क ऑप्शन करना या सबमिट, ये इसके बाद करना है हमें, ये इस तरह स्टूडेंट सबमिट करेंगे वो वर्कशीट है जो, तो उसके बाद हमें यहाँ पे मिलेगी हमारे अकाउंट पे, यहाँ पे हमारे अकाउंट पे इस तरह मिलेगी कि एक बच्चे ने क्या किया है, ये वर्कशीट कंप्लीट की है, इस तरह हमें दिखेगा स्टूडेंट आए एसेस में, ये दिखेगा अब तक हमने क्रिएट किया, फिर प्रीव्यू देखा, फिर बच्चों के लिए असाइन किया, फिर बाद में एसेस में ये ऑप्शन हमें दिखेंगे कि बच्चे क्या मतलब स्टूडेंट का हम रिपोर्ट कहाँ पे देखें। इस तरह से जो बच्चे मतलब स्टूडेंट ने किया हुआ हम आंसर यहाँ पे देख सकते हैं, फिर बाद में यहाँ पे मैं रिप्लाई दे सकती हूँ बच्चों के लिए कि गुड जॉब, बहुत ही अच्छे से कर किया है करके। इस तरह हम वर्कशीट से बच्चों का स्टूडेंट का वर्क जो है कितनी बात समझ में आई है, संकल्पना कितनी क्लियर हुई है देख सकते हैं। इस तरह SS 2.0 अभी नया आया है इसमें, जो हम यहाँ पे यहाँ ये सब लॉक है प्रीमियम में, जब आप बेसिक वर्जन के साथ फ्री मतलब यूज करके फ्रेंडली हो जाएंगे तो हम SS 2.20 देखेंगे, फिर यहाँ पे हमारी ग्रेडिंग सिस्टम हमारे लिए तैयार मिलेगी हम। तो चलिए अब हमारे इतने सारे वर्कशीट यहाँ पे दिखते हैं, माय वर्कशीट में हमारे बाई और ऑप्शन आता है माय वर्कशीट, तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पूछेंगे पूछ रहे कि कोई मतलब ऑप्शन है कि हमारी डिलीट वर्कशीट कैसे करें करके, तो या डुप्लीकेट कैसे करें। तो ये जब वर्कशीट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, नो कैंसिल एंड गो बैक एंड यस डिलीट वर्कशीट, तो हम डिलीट वर्कशीट करके हमारी वर्कशीट डिलीट कर सकते हैं या कॉपी कर सकते। तो चलिए हम देखते हैं कि देखिए वर्कशीट पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आ जाते हैं, आंसर, ऑटोमेटिक फीडबैक, लॉक और ओपन टू स्टूडेंट्स। जब हम टाइम बाउंडेड वर्कशीट देते हैं तब हम यहाँ पे लॉक एंड ओपन टू स्टूडेंट्स रख सकते हैं, डुप्लीकेट वर्कशीट के लिए प्रीमियम वर्जन लगेगा, डिलीट वर्कशीट कर सकते हैं और मूव अनदर टू फोल्डर, हम सब्जेक्ट वाइज फोल्डर बनाने हैं तब यहाँ पे मूव कर सकते हैं। इस तरह से ये वर्कशीट हम यहाँ पे देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए अब तैयार हैं, हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि वाइजर के साथ हम वर्कशीट कैसे बनाएं। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, वाइजर जो मैंने आपको बताया था कि ये वर्कशीट का नाम डालना है, मतलब वर्कशीट का जो प्लेटफॉर्म है वाइजर एंड वो हमें ऐड करना है। तो इस तरह से हमें क्या होगा, मैंने बताया आपको कि इस तरह सा लॉगिन आएगा, फिर हमें लॉगिन करना है, ज्वाइन नाउ बच्चे करेंगे, तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे, मेरा गूगल के साथ मैंने किया हुआ है इसके लिए कनेक्ट भी तो गूगल करूंगी मैं। तो अभी इस तरह का इंटरफेस हमें दिखाई दे रहा है, तो हम ही यहाँ पे फिल्टर करके हमारी जो लैंग्वेजेस है हम वर्कशीट वैसे देखेंगे, पर हम पहले क्रिएट अ वर्कशीट देखेंगे। ये देखिए मेरे यहाँ पे ये डैशबोर्ड का ऑप्शन था, तो ये मेरे वर्कशीट्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने हर तैयार के वर्कशीट्स रखे हैं। पहले हम क्या करेंगे कि हमारी खुद की एक नई वर्कशीट अभी बनाएंगे, तो आप मेरे साथ ये वर्कशीट बनाने लिख के लिए तैयार हो जाइए। देखिए क्रिएट पे आ गए, तो हम पहले कौन सी वर्कशीट बनानी है, हमें गणित की वर्कशीट बनानी है। ओके तो मैं क्या करती हूँ, हम हिंदी में बनाएंगे तो इसके लिए मैंने लैंग्वेज चेंज करके ले रही हूँ, गणित लिखूंगी, गणित में मेरा है संख्या ज्ञान, संख्या ज्ञान में बनाऊंगी मैं ये मेरा वर्कशीट जो है, सब्जेक्ट क्या आएगा इसमें, मैथ्स होगा।
मैंने सिलेक्ट कर लिया। अभी मैंने ग्रेड भी सिलेक्ट करना है, ये मेरा फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड के लिए यूजफुल क्वेश्चन है। हमें एक रफली हमारे पास एक वर्कशीट का फॉर्मेट हमें तैयार रखना है, क्योंकि हम जल्दी जल्दी ऑनलाइन डिजिटल वर्कशीट बना पाए। तो हमें हर बार हम जब जैसे कंप्यूटर में कोई वर्क सेव करते हैं, वैसे ही हमें यहाँ पे सेव करना है। अभी मुझे आगे की यहाँ पे तरफ लिखना है कि हम मेरा वर्कशीट का नाम है संख्या ज्ञान। देखिए यहाँ पे मैंने संख्या ज्ञान लिखा है। मुझे अलग सा डिजाइन सिलेक्ट करना है, इसके लिए मैं चेंज करी। जी तो यहाँ पे अभी नाम ही व्हाइट में गया, देखिए। तो मुझे कलर यहाँ पे चेंज कर सकती हूँ मैं वर्ड का। तो मैं यहाँ पे ब्लैक ले रही हूँ, अभी हमें दिखाई दे रहा है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें पहले ऐड एक्टिविटीज करेंगे। ऐड एक्टिविटीज में मैं पहले आपने बोला कि मैथ्स की होगी, तो भी मैं इंपोर्ट वर्कशीट करने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट तरीका है। हमारे पास कुछ वर्कशीट तैयार हो तो हम कैसे लिखेंगे करेंगे। इंपोर्ट वर्कशीट के बाद क्लिक करने के बाद मुझे आएगा लीव। तो ये मुझे बता रहे हैं कि आप कहाँ से वर्कशीट पीडीएफ लेंगे। तो मैं सिलेक्ट करी हूँ सिलेक्ट फाइल फ्रॉम कंप्यूटर, और मेरा एक जो तैयार है वो मैं ओपन करी हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मेरे दो पेजेस है, तो इसमें से कौन सा पेज मुझे लेना है। तो मैं पहले वाला पेज लेती हूँ, कंटिन्यू। तो इसमें देखिए ये मेरी मराठी लैंग्वेज में है, तो इसके लिए मुझे जो है यहाँ पे मैं कवर इमेज लेती हूँ, यहाँ पे ये वाला हमें सिलेक्ट इस तरह करना है। मैम, इस कवर समय हम इमेज आपकी ओके। पीपीटी देख पा रहे हैं, आपसे चाहेंगे कि आप डेमोन्स्ट्रेशन स्क्रीन हमें दिखाएं। अच्छा आप मैम अभी पीपीटी दिख रही है, सॉरी जी मैम मैं यहाँ पे कर रही थी, मुझे पता नहीं चला। मैम फिर से शेयर करूंगी। मैम, अभी भी हम आपकी पीपीटी ही देख पा रहे हैं। हाँ यस यस मैम मैं कर रही हूँ। यहाँ आप सभी को बता दूं कि जब तक मैम हमें बता रही हैं कि किस तरह से वर्कशीट हमने जाना कि वर्कशीट बनाना होता क्या है, और वाइजर ऐप के ज़रिए जब इस पर हम काम कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, तो पीपीटी के माध्यम से जहाँ एक हो तो हमने वर्कशीट के और वाइजर के लाभ जाने, वहीं कुछ जब हम डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हैं तो जान रहे हैं कि कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, कोई भी क्लास हो, आप वाइजर के ऐप से वर्कशीट बना सकते हैं। तो वाइजर अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है जब आप बच्चों के लिए वर्कशीट तैयार कर रही हो। सो वर्कशीट बनाना अपने आप में उन्हें ऐसा होमवर्क देना है जो कि क्रिएटिव है, और बच्चे ऐसे में बहुत अच्छी लर्निंग ले सकते हैं। और अगर ऑनलाइन काम करने की भी बात हो तो हम घर बैठे बैठे बच्चों को वो वर्कशीट सेंड भी कर सकते हैं, और उनसे होमवर्क के तौर पर उन वर्कशीट्स को अपने पास मंगवा भी सकते हैं। तो ऐसे में आसान हो जाता है जब ऑनलाइन माध्यमों से बच्चों को काम दिया जाता है, और शिक्षकों के नज़रिए से भी देखें तो जब एक बारी वो ऐसे उपकरणों को जान लेते हैं तो उनका भी काम सरल हो जाता है। वर्कशीट के माध्यम से आप कई ऐसे सवालों को भी प्रैक्टिकली, जिनका कि आसान करना की बात करें, संभव करने की बात करें, तो वो भी संभव हो जाता है। तो अब हम अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन मैम ने हमारे लिए जो है अपनी स्क्रीन पर लगा दिया है। तो मैम आपसे आगे जानना चाहेंगे। तो सॉरी फिर से कि मेरा जो आपको स्क्रीन नहीं दिख जी रहा था, मैम, अब हम यहाँ पे आपका मैंने डेमोन्स्ट्रेशन देख पा रहे हैं। हाँ तो यहाँ पे देखिए हम कर रहे हैं। हमें गूगल पे जाना है, फिर यहाँ पे हम टाइप करेंगे wiser.me। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। यहाँ टीचर्स के लिए हमें लॉगिन करना है। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद मैं कनेक्ट विद गूगल जाऊंगी, तो मेरा ये गूगल का अकाउंट साइन इन है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हमें फिल्टर भी है जो अदर टीचर्स के हम क्या कर सकते हैं, वर्कशीट देख सकते हैं, एज लैंग्वेज चेक कर सकते हैं, ग्रेड के या सब्जेक्ट वाइज। जिस जिस टीचर्स ने यहाँ पे वर्कशीट तैयार की, इस तरह यहाँ पे कलेक्शन बन गया है, उसी में से हम हमारे बच्चों के लिए असाइन कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे बाई और देखे तो डैशबोर्ड ऑप्शन पे हम जा रहे हैं। डैशबोर्ड ऑप्शन पे हमें क्या करना है, वर्कशीट डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो ये यहाँ पे मैं मैथ्स लिख रही हूँ, मैथ्स और नंबर्स। यहाँ पे मैं प्राथमिक बच्चों के लिए कर मतलब वर्क क्लास के बच्चों के लिए कर रही हूँ, स्टूडेंट के लिए।
हमें वर्ड सब्जेक्ट लेना है यहाँ पे मैथ्स, फिर वर्कशीट के हम ग्रेड लिखेंगे, फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड, हम थर्ड तक सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, फिर से हम सेव करेंगे। तो इस तरह से मुझे सिलेक्ट डिजाइन भी करना है बच्चों के लिए, आकर्षित करने के लिए स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ ईस्टर का डिजाइन और व्हाइट वाला, यहाँ पे लिखना है। ये देखिए यहाँ पे हमें फॉन्ट लैंग्वेज चेंज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये कलर नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए डिजाइन के यहाँ पे एक कलर हम ब्लैक ब्लैक कलर लेते हैं। तो यहाँ पे संख्या ज्ञान आ रहा है, तो हमें बहुत सारी यहाँ पे एक्टिविटीज दी हुई है, ओपन क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस बैंक, यहाँ पे कौन से हम ले। तो पहले हम यहाँ पे लेंगे इम्पोर्ट वर्कशीट। इम्पोर्ट वर्कशीट के लिए यहाँ पे लीव पूछ रहे, तो हम लीव करेंगे। और यहाँ पे हमें नेक्स्ट स्लाइड पे हम जा रहे हैं, वो है सिलेक्ट फाइल फ्रॉम कंप्यूटर। मैंने यहाँ पे एक पीडीएफ तैयार की हुई है मैथ्स की, वो ओपन करेंगे। ओपन होने के बाद यहाँ पे टू पेजेस हमें दिख रहे हैं, तो मैं ये सेकंड वाला पेज अभी लेती हूँ कि आपको ये समझ में आए कि हम कैसे क्वेश्चन को सिलेक्ट करें। यहाँ पे हमें आंसर नहीं सिलेक्ट करने हैं, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं। तो मुझे मैं कवर लेती हूँ, यहाँ पे कवर इमेज लेनी है। कवर इमेज के लिए मुझे यहाँ पे ये ड्रॉप किया मैंने, तो ये मेरा क्वेश्चन का इमेज नहीं है, पर यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, ये वाला इमेज यहाँ पे ले रही हूँ। बाद में मुझे क्या करना है कि ये जो चित्र है उसके लिए आंसर बच्चों मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखे, तो मुझे यहाँ पे फिर से इमेज लेना है टेक्स्ट वाला, ये अभी कवर इमेज नहीं होगा। यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप करने के बाद हमें एरिया सिलेक्ट करना है, जितना एरिया होगा उतना ही वहाँ पे वर्कशीट में दिखेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ये आंसर वहाँ पे ऐड होगा। फिर बाद में मुझे और एक यहाँ पे इमेज दी हुई है, इसके लिए मैंने फिर से इमेज ड्रॉप करूंगी। तो यहाँ यहाँ बड़ा है ये क्वेश्चन, उस तरह से हम ड्रैग करेंगे हमारा क्वेश्चन का। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस क्या करनी है, काउंट करनी है। तो मेरे और दो क्वेश्चंस रह गए, तो मुझे ये टेक्स्ट वाला इमेज वाला ही फॉर्मेट लेना है। इसके लिए मैं क्या करूँ, प्लस करूँ, मेरे पास और एक क्वेश्चन यार मतलब बॉक्स आ गया है जो क्वेश्चंस शो करेगा। यहाँ पे रिसाइज कर ले रही हूँ मैं, फिर से मैंने कॉपी करना है। और मेरे यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे नोट है कि मुझे बच्चों के काउंट करवाने हैं और उनका नंबर्स का नॉलेज क्या है देखना है। इमेज यूज करने के लिए प्राइमरी क्लास में बहुत ही इजी है, वो समझ पाते हैं थियोरेटिकल क्वेश्चन से अच्छा। इस तरह ये वाला हमारे क्वेश्चन सिलेक्ट हो गए, हमें सिर्फ क्वेश्चन ही सिलेक्ट करने हैं। अभी ये वाला चार्ट है, तो ये भी हम इमेज में डालेंगे या फिल इन ऑन द इमेज डालेंगे, सिर्फ इमेज ही हो तभी हम नहीं ऐड करेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन भी हम चार्ट वाला जो है मैथ्स का वो भी यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। और यहाँ पे अभी हो गया हमारा ये, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सिलेक्ट हो गया। अभी हमें कन्वर्ट करना है, यहाँ पे लिखा है होल्ड ऑन और नॉट येट फिनिश्ड, तो टेक्निकली द बिल्डर फिनिश करेंगे हम। इसके लिए बिल्डर के लिए टाइम लगता है, तब तक हम क्या करेंगे, एक फिलिंग इमेज के लिए और एक इमेज हम ढूंढ के रखेंगे। तो हम पार्ट्स ऑफ ट्री के लिए इमेज सर्च करते हैं, इमेज सर्च करते वक्त एक ध्यान में रखना है हमें जो ऑप्शंस रहते हैं टूल्स वाला ऑप्शन जो रहता है उसमें क्लिक करके रिजल्ट में जाना है। यहाँ पे अभी कंप्लीट हुआ है, ऑप्शन नहीं आ रही,
इमेजेस में जाना है हमें, इमेजेस में क्लिक करने के बाद टूल्स का ऑप्शन लेना है। टूल्स में हमें यूजेस राइट देखने हैं और क्रिएटिव कॉमन्स वाले जो इमेज है वही यहाँ पे हमें यूज करनी है। तो ये मैं यहाँ पे ब्लैंक वाला इमेज यूज करूंगी, तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। देखिए तो हमें क्या करना है, राइट क्लिक करके हम ये इमेज सेव कर लेते हैं। मैंने डाउनलोड में सेव कर ली इमेज, तो देखिए हमारे वाइजर ने यहाँ पे तैयार कर लिया है हमारा वर्कशीट कैसे रहेगा। ये वर्कशीट के लिए यहाँ पे एक है जो क्वेश्चन है, फिर ये यहाँ पे भी फिर से हम एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे काउंट करके स्टूडेंट्स यहाँ पे आंसर लिखेंगे, उसके लिए जगह है। फिर बाद में जो नेक्स्ट, मैंने देखी ये कितना इजी होगा, हमारा पीडीएफ तैयार था इसके लिए, एक एक से कम मिनट में हमने क्या किया, ये वर्कशीट हमारा तैयार कर लिया। विद इमेज यहाँ पे हमने इमेज ऐड किया है, टोटल क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड नहीं, मतलब इमेज का जो फील है वो यहाँ पे नहीं आया है। यहाँ पे कहीं पे भी बच्चे ऐड करने के लिए हमें क्या करना है, नहीं कर पाए, इसके लिए क्लिक करना है हमें। कहाँ कहाँ पे आंसर चाहिए ना वो हमें क्लिक करनी है। यहाँ पे हर बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए, इसके लिए यहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ। इस तरह से बहुत ही इजी तरीके से हम चैट में भी रिस्पांस ले सकते हैं स्टूडेंट्स का। हाँ तो ये अभी मेरा डन हो गया है। मुझे लग रहा है मुझे यहाँ पे टाइटल देना बाकी है, जो पहले मैंने दिया था वो वहाँ से चला गया। इंग्लिश में ही देख लूँ मैं भी, नंबर्स काउंटिंग। यहाँ पे है, यहाँ पे मुझे टाइटल में क्वेश्चन लिखना है, नहीं तो हम रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पे आवाज की। इस तरह की सेटिंग है इसमें, यहीं पे हम ऐड करेंगे कि बच्चों चित्र देखकर काउंट कीजिए और फिर उसका नंबर्स के साथ या अक्षरों के साथ उत्तर लिखिए, यह अपलोड करना है। इस तरह हम बच्चों को निर्देश ऑडियो से दे सकते हैं। यहाँ पे ये मेरा एक्टिविटी कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे डन करना है इसके इस क्वेश्चन के लिए। जी अभी मेरी वर्कशीट सेव करनी है मुझे। वर्कशीट सेव करने के बाद मुझे क्या प्रीव्यू है ऑप्शन दिखाने के लिए कि ये कैसे दिखेगी मेरी वर्कशीट। देखिए वर्कशीट इस तरह दिखेगी, यहाँ पे लिसन इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे एंटर आंसर के लिए क्वेश्चंस आए हैं, अभी हमें स्टूडेंट्स तक ये पहुंचानी है, इसके लिए हमें असाइन करना है। असाइन वाया लिंक करेंगे क्रिएट असाइनमेंट। मैंने नंबर का नाम लिखा है, यहाँ पे मेरे पास वर्कशीट की लिंक आई है, तो मैं कॉपी करूंगा। यहाँ पे जो लिंक है वहाँ पे कॉपी करना है हमें, और ये यहाँ पे एम्बेड की लिंक आएगी। और जो बाय क्लास हम करेंगे वो प्रीमियम वर्जन में करेंगे, इसके लिए मैंने वहाँ पे बताया नहीं, कॉपी लिंक करेंगे। तो अभी मैं यही वाला लिंक हम शेयर करेंगे व्हाट्सएप पे या हमारे मेल से हम क्रिएट करेंगे। तो अभी मैं एज में जाके हम ये लिंक ओपन करते हैं कि ये कैसे दिखती है।
सो बिल्कुल इन सत्रों के दौरान, या फिर कहूँ इस खास सत्र के दौरान, हमने जाना कि किस तरह से वाइजर ऐप के ज़रिए जो है आप अपनी वर्कशीट बना सकते हैं, चाहे वो किसी भी कक्षा की हो या किसी भी विषय की हो। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी, हमारे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ETN ICT उपकरणों की श्रृंखला में आज हमने एक नया उपकरण सीख लिया, वाइजर। तो वाइजर ऐप के माध्यम से वर्कशीट बनाना वाकई बहुत सरल है। इसके बहुत से अपने फ़ायदे भी हैं, एक तो ये समय की बचत भी करता है, और दूसरा ये एक अधिगम प्रक्रिया को, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और सुगम्य भी बनाता है। हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़ी हैं मैम नीता भास्कर अरसुले। मैम, यहाँ पर क्योंकि सत्र को समय है कि अब समाप्ति की ओर लेकर जाएं, तो आपसे चाहेंगे कि अगर कोई बिंदु शेष है तो वो बताएं और फिर उसके बाद हम सत्र को अंत करें। मैम, इस तरह हम बच्चे मतलब स्टूडेंट के लिए वर्कशीट ऐसे दिखेंगी। यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे आंसर ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे जीरो आएगा, फिर जी यहाँ पे भी जीरो आएगा, फिर यहाँ पे दशक में भी जीरो ऑप्शन आएगा। तो यानी ये था अंतिम चरण, जिसे अब हमने जान लिया है कि किस तरह से आपको मार्किंग भी करनी है। मैम, यहाँ पर सत्र के लिए हम आपका चाहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद करना। एक बार फिर से अपने सभी दर्शकों को, देखने वालों को परिचय देना चाहूँगी मैम नीता भास्कर आरसुले का। मैम असिस्टेंट टीचर हैं, स्टेट टीचर अवार्डी हैं 2021 वर्ष की, और जिला परिषद प्राइमरी स्कूल कोठाला महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ी हैं। मैम नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आज के सत्र के लिए। यस, इस तरह मैम एक थोड़ा लास्ट पॉइंट बताऊंगी। हमारी जो डैशबोर्ड पे है, यहाँ पे माय वर्कशीट तैयार होते हैं। इस तरह से हम ये इमेज वाला जो है, हम इस तरह देख सकते हैं। यहाँ पे हमने इमेज का भी एक देखा है, उसी तरह से हम इमेज अपलोड करके यहाँ पे या पॉइंट्स ऐड करके नाम लिखने हमें करेक्ट वाले, और वो हम असाइन करके शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है बच्चों के जी लिए यहाँ पे, बिल्कुल। मतलब स्टूडेंट्स के लिए, हमारे टीचर्स के लिए बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि हम ये वर्कशीट बाय हैंड करके या तैयार करके बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करें स्टूडेंट्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, तो वो जी कलेक्ट करके बाद में हम क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे, वो टाइम जाएगा। यहाँ पे बहुत ही फास्ट है। अब यहाँ मतलब सब एक्टिविटीज हमें बहुत से कवर करनी पड़ती है पूरे साल में, तो बिल्कुल मैम, यहाँ क्योंकि प्रैक्टिस समान ज्यादा सरल करवाने भी के लिए है इस ऐप डिजिटल को वर्कशीट। जानना, और वाकई ही क्योंकि इसमें अनेक ही विकल्प हैं, तो जब बच्चे या फिर कहूँ कि शिक्षक इसको अपनाएंगे और इस ऐप पर काम करना शुरू करेंगे तो और बेहतर इसे जान पाएंगे। एक बार फिर से आपका धन्यवाद आज के सत्र के लिए। नमस्कार। मैं यहाँ हमारे सभी दर्शकों को बताना चाहूँगी कि ETN ICT उपकरणों की श्रृंखला में आज हमने जाना वाइजर ऐप के जरिए वर्कशीट बनाना। CIT NCERT के सभी लाइव और इंटरैक्टिव सत्रों में हम कुछ नया आपके लिए लाते हैं, वो चाहे कुछ आपको शिक्षण अधिगम से संबंधित बताना हो या फिर कक्षा एक से लेकर कक्षा 12वीं के सभी विषयों को कवर करना। हम आपके लिए 5 बजे लगभग कुछ ही मिनटों में सहयोग का एक सत्र लेकर आएंगे। आप सभी को बता दूं, आप जानते भी हैं कि सहयोग और परिचर्चा, ये दोनों ही सत्र मनोदर्पण के अंतर्गत आते हैं एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अम्ब्रेला फीचर आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत। इसमें आप सभी के साइको सोशल सपोर्ट और मेंटल वेलबींग के लिए काम किया जाता है। तो सहयोग के लिए हमारा आज का जो विषय है वह है नेविगेटिंग अकेडमिक अचीवमेंट्स थ्रू इफेक्टिव स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। तो कैसे इस रिश्ते में और खास हो सकता है अगर अचीवमेंट्स के दृष्टिकोण से देखा जाए। तो मैं यहाँ सृजन राजपूत आप सभी से चाहूंगी अनुमति, आप यूं ही CIT NCERT के सत्रों के साथ बने रहें। नमस्कार।